कनाडा से ब्रेकिंग न्यूज है कि मैंने अपने करियर में कभी भी नहीं सुना जो चीज वो अब हो रही है, स्पेशली जो जैन इनटेक में जिन स्टूडेंट्स की फाइल लगी हुई है या मई इनटेक के लिए जिनकी फाइल लगी हुई है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं देने जा रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकली हमारी कंपनी के साथ हुआ है, वो बाकी स्टूडेंट्स भी उसके लिए अवेयर हो जाएं, तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो रहेगी। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपने करियर में कभी भी ये नहीं सुना कि कनाडा में कभी कोई इंटरव्यू आई हो, लेकिन आज हमारे ही दो स्टूडेंट्स की जीसी की में ये रिफ्लेक्ट हुआ है, जिसका कि मैं प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। एक ये स्टूडेंट है और दूसरा ये स्टूडेंट है, दोनों की ही आज हमें जिसी की में ये रिफ्लेक्ट हुआ है कि इनकी इंटरव्यू है। एक स्टूडेंट को हमारे, मैं उनका नाम नहीं बता रहा प्राइवेसी की वजह से, 22 को उनको बुलाया गया है चंडीगढ़ में, दूसरे स्टूडेंट को 23 को बुलाया गया है दिल्ली में, और दोनों ही स्टूडेंट्स की अब इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आई है। हालांकि हमारी कंपनी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई स्टूडेंट के अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो हम उनकी फाइल ही नहीं लगाते, तो बिल्कुल 100% सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उनकी इंटरव्यू आई है। तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि अब कनाडा में इंटरव्यू स्टार्ट हो गई है, कि कनाडा भी अब आने वाले टाइम में इंटरव्यू लेगा? जैसे यूके में भी कुछ एक स्टूडेंट्स की इंटरव्यू आती है, तो 10-20% स्टूडेंट्स की इंटरव्यू आती है यूके में, तो क्या अब कनाडा भी उसी लाइन पे चल पड़ा है? कि कनाडा में आज तक, जहाँ तक मेरा करियर का सवाल है, कि कभी भी इंटरव्यू नहीं सुनी, ना ही किसी और कंसल्टेंट की मैंने आज तक सुनी है, लेकिन आज हमारे ही दो स्टूडेंट्स की आ चुकी है। क्योंकि मैंने भी जब से करियर स्टार्ट किया है सैकड़ों स्टूडेंट्स को हम कनाडा भेज चुके हैं, उनका स्टडी वीज़ा ले चुके हैं, पर आज तक एक भी स्टूडेंट्स की कभी कोई इंटरव्यू नहीं आई। तो अब ये जो नया ट्रेंड कनाडा ने स्टार्ट किया है, उनके पीछे उनका मोटिव क्या है? कि क्या वो ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ हमें बोनाफाइड स्टूडेंट्स ही हमारे यहाँ आएँ? तो उसके लिए आप आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये इंटरव्यू के क्या रिजल्ट्स रहते हैं। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ये अलर्ट करना चाहता हूं कि जिनकी फाइल लगी हुई है जैन या मई इनटेक में, अपनी एसओपी जरूर रीड कर लें और इंटरव्यू के लिए जरूर प्रिपेयर हो जाएं। तो मैं जल्दी ही कनाडा स्टडी वीज़ा पे भी एक इंटरव्यू बनाऊंगा उसके क्वेश्चनएयर पे। हालांकि मैंने एक यूके पे क्वेश्चनएयर डाला हुआ है, उसका भी मैं लिंक नीचे वीडियो में दे दूंगा, कि वो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही रहते हैं, चाहे यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो आपके क्वेश्चंस वही रहते हैं कि वाई दिस कंट्री, वाई नॉट अदर कंट्रीज, वाई दिस कोर्स, वाई दिस कॉलेज और दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो उसकी मैंने डिटेल क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही वीडियो में बनाए हुए हैं, दो वीडियोस है मेरी यूके को लेके, आप वो भी देख सकते हैं, वही सेम कनाडा के लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो स्टूडेंट्स एक बार जरूर प्रिपेयर कीजिए। अब होता क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि जो मैं इंटरव्यू आपने डाली हुई है इस पेज पे, उसको क्या कीजिए, आप क्वेश्चन सुन के उसके बाद पॉज कीजिए, आप खुद आंसर दीजिए, फिर आप उसका आंसर सुनिए जिस स्टूडेंट्स को हमने प्रिपेयर किया हुआ, तो उसको आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली बोलना क्या है। और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कनाडा को लेके, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। और सेकेंडली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिसेज में मेरे को पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप 11 to 2 तक अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।